ईद उल फितर करीब आते ही महंगाई ने स्पीड पकड़ ली। सब्जी और फलों की कीमत में होश रुबा इजाफा, लहसुन 750, अदरक 720 और प्याज 260 रुपए किलो, अनार बदाना 1000, खजूर 600 और सेब 400 रुपए किलो तक दस्तयाब। सस्ता प्रोटीन ताहाल अवाम की पहुंच से दूर, मुर्गी का गोश्त 651 रुपए किलो से नीचे ना सका। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 250 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7380 रुपए में फरोख्त हो रही है। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। चेयरमैन रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में शवाल का चांद देखने के साथ साथ मुल्क भर से शहादतें वसूल की जाएंगी। ईद अपनों के संग मनाने का मिशन, हजारों परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लाहौर रेलवे स्टेशन और लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश, टिकट और सीट के लिए ओवर चार्जिंग का शिकवा, कहा फी सवारी 300 रुपए तक का इजाफी वसूल किए जा रहा है। किराया बहुत ज़्यादा है, हद से भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी इंतहा नहीं है, बे इंतहा किराया ले रहे हैं, यानी कि 2 गुना से 3 गुना हो गया है। जो 1200 लेते थे अब 2500 ले रहे हैं। पहले हम 1200 में जाते थे, अब 2500 में जा रहे हैं। पता नहीं हमारी हुकूमत किधर है। वज़ीर आला पंजाब को चाहिए, मरियम नवाज़ को, कि एक्शन ले और इन इकदाम पर अमल दरामद हो, ताकि जो मजदूर शहरी हैं ये बासानी अपने घर पहुंचे। और काफ़ी लोग जो है ना, जो मजदूर घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और किराया बे इंतहा लगा हुआ है। परदेसियों की वापसी के लिए रिलीफ यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतजाम एंड एक्शन। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का लारी अड्डा का दौरा। मुसाफिर खवातीन के लिए इंतजारगाह में मर्द अफराद की मौजूदगी पर इजहार बरहमी। गाड़ी की छत का टिकट जारी करने पर बस को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया, कहा ट्रांसपोर्टर्स को मनमानी नहीं करने देंगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त, ईद खरीदारी अपने जोबन पर पहुंचने लगी। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में खवातीन और बच्चों का रश, किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को मनपसंद जूतों की तलाश है। बनाओ सिंगार के लिए मेकअप का सामान भी तरजीहात में शामिल। चूड़ियों की दुकान पर भी खवातीन का रश। वासा लाहौर के ऑपरेशन विंग अफसरान और अमले की ईद पर छुट्टियां मनसूख। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ईद की तैयारियों, रेवेन्यू और डिसल्टिंग की पेशरफ्त का जायजा लिया। 15 अप्रैल तक तमाम ड्रेन्स डिसल्टिंग का पहला साइकिल मुकम्मल करने के अहकाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और अहम इकदाम, लाहौर के मसाइल हल करने के लिए 35 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील। एमएनए राणा मुबशर इकबाल कमेटी के कन्वीनर, डीसी लाहौर राफे हैदर कमेटी की सेक्रेटरी होंगी। जिला इंतजामिया की सरगर्मियां उरूज पर, नून लीग और आईपीपी के मुश्तरक उम्मीदवार शोएब सदीकी की पीपी 149 में कॉर्नर बैटिंग, कहा मुल्क में तामीर और तकरीब की सियासत का मुकाबला है। वोटर से हमारा रिश्ता सियासी नहीं, दुख और सुख का है। अवाम 21 अप्रैल को भी शेर और उकाब पर मोहर लगाएंगे। सेक्रेटरी सराफ पंजाब इफ्तखार अली सहू के जेर सदारत इजलास। वज़ीर आला के प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के मुताबिक ब्रीफिंग। इफ्तखार अली सहू ने कहा कि 1800 ज़रई आलात 710 काश्तकारों को जल्द फराहम किए जाएंगे। जंगली हयात के तहफ़ के लिए डीजी वाइल्ड लाइफ मुतहरिक। मुदस्सर यास मलिक कार्टुल इंटर मार्केट में वाइल्ड लाइफ कॉम्बिंग ऑपरेशन। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहफ़ शुदा जंगली जानवरों और परिंदों को चेक किया। गैर कानूनी तौर पर रखे गए तमाम जंगली परिंदे जब्त कर लिए। महकमा एजुकेशन पंजाब का ऐसा इकदाम, सरकारी स्कूल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। लाहौर कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों के स्कूल्स में शमसी प्लेटें लगाने का फैसला। सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद असगर जावेद ने मरासला जारी कर दिया। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला।
पीजी एक्साइज ने डायरेक्टर लाहौर रीजन ए और बी को 20-20 करोड़ रुपए रिकवरी का टास्क सौंप दिया। दयात पर अमल न करने वाले एक्साइज मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। ओवर बिलिंग के खिलाफ एफआईए का ऑपरेशन। लेस्को के एक्सियन राव कामरान को गिरफ्तार कर लिया। राव कामरान को शाहपुर डिवीजन में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर हिरासत में लिया गया। मुलजिमान से मजीद तहकीकात जारी हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद खान इंतकाल कर गए। जावेद महमूद ब्लड कैंसर के बाद 2 हफ्ते से जिना हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे। नमाज जनाजा आज सुबह 10:30 बजे जिना पार्क रोशन भेला कसूर में अदा की जाएगी। जावेद महमूद खान डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ओहदे पर भी फायज रहे हैं। सियासी पार्टी की तश्कील के लिए सूबाई महतसब के ओहदे से मुस्तफ़ी हुए। शहर में सुबह सवेरे तेज धूप, दर्जा हरारत 26 रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवामी नमी का तनासब 23% है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 6 नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 रिकॉर्ड किया गया। أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قل ما سألتكم من أجر فهو إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد और कौन बनेगा कि रात का सुल्तान। इंतजार की घड़ियां खत्म, आज होगा फाइनल। मोहम्मद अली, हमातुल्ला, हुसैन शाह और हमाद अमीन किस्मत आजमाई करेंगे। इमान अफरोज मुकाबला 4:01 पर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।